चौहान, टेक टीवी, पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। अहमद मंजूर, टेक टीवी, पाकिस्तान। अपने हाथ में राय में आपको सस्पेंड कर दो। फर्रुख सिद्दीकी, टेक टीवी, पाकिस्तान। एहतशाम राणा, टेक टीवी, पाकिस्तान। वजीर आजम मुतल्लिक किया गया। लेके आएंगे तहरीके अदम एतमाद। मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच, टेक टीवी, पाकिस्तान। कौकब फारूकी, टेक टीवी, पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूं रुखसार शहजान। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। एमकेएम का बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत से अलहदगी और अपोजिशन का साथ देने का ऐलान। एमकेएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि चाहते हैं सियासी इख्तलाफात ख़त्म करके आगे बढ़ें। शहबाज शरीफ ने कहा कि PPP और MQM ने माजी को एक तरफ रख कर नए सफ़र का आगाज किया। पाकिस्तान में हमेशा से आलमी ताकतें हुकूमतों पर असरअंदाज होती आई हैं। इमरान खान ने कहा 7 मार्च को हमें ख़त मौसूल हुआ। ख़त में बराह रास्त तहरीक अदम एतमाद का जिक्र है। ख़त में तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने के संगीन नताइज की धमकी। मुझे मुशावरत में नहीं रखा, लेकिन पैसों के 2-4 ट्रक वज़ीर आज़म मुझे भी दे देते तो बात यहाँ तक ना पहुँचती। शेख रशीद ने इमरान खान के साथ खड़े रहने का दावा कर दिया। कांगो में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, अफसरान और जवानों समेत 8 अहलकार शहीद। वज़ीर आज़म इमरान खान का हेलीकॉप्टर हादसे में फौजियों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म का कहना था कि अब फौज पाकिस्तान की आलमी अमन के लिए खिदमात पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. अब अगला मैसेज आपके कार और होम इंश्योरेंस में भारी बचत का। क्या आपके घर या कार के इंश्योरेंस का रिन्यूअल ड्यू है और आपको तलाश है सही कवरेज के साथ साथ अच्छे रेट्स की, तो आज ही कॉल करें ऑल स्टेट के रवि को और पाएं रेट्स में बचत और बेहतरीन सर्विसेज। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू में सर्विसेज देते हैं। कॉल रवि टुडे 6474929236 6474929236। यू आर इन गुड हैंड्स विद ऑलस्टेट। कनाडा में अपनी नेटवर्थ बढ़ाने के लिए आपके पास एक तजर्बाकार और काबिले इत्माद रियल्टर होना बहुत जरूरी है। अगर आप रियल स्टेट एजेंट हैं तो होम लाइफ ड्रीम रियलिटी के कम्पेटिटिव पैकेज से जरूर फायदा उठाइए। और प्रेजिडेंट एंड ब्रोकर ऑफ रेकर्ड शकील आलम को 4167271624 पर जरूर रब्ता कीजिए। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एमकेएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा हमने अपोजिशन के साथ चलने का फैसला किया है, चाहते हैं सियासी इख्तलाफात ख़त्म करके आगे बढ़ें और ऐसे दौर का आगाज़ हो जहाँ सियासी इख्तलाफ ज़ाती दुश्मनी ना समझी जाए। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुतहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने मुतहदा अपोजिशन की हिमायत का ऐलान कर दिया। मुतहदा अपोजिशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में PTM रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा ऐसे दौर का आगाज करें जहाँ सियासी इख्तलाफ को दुश्मनी ना समझा जाए, हमारा आपके साथ चलने में कोई ज़ाती मफाद नहीं है। खालिद मकबूल ने कहा कि मुहायदे और मुतालबे की एक एक शिक आवाम के लिए है। हमारा मुहायदा अदम एतमाद तहरीक में साथ देने से मशरूत नहीं था। इस तब्दीली में हम आपके साथ होंगे। दुआ है ये तब्दीली आवाम की ज़िंदगी में भी तब्दीली लाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिजब इख्तलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान अक्सरियत खो चुके हैं। इमरान खान इस्तीफ़ा देकर
नई रिवायात कायम कर सकते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि ओपोजिशन का मुतहदा कौमी जलवा है। MQM पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इत्तेहाद की मजबूती में अहम फैसला किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान सिंध और कराची की तरक्की खुशहाली पेश नज़र है। कायद हिजब इख्तिलाफ ने कहा कि कल रात MQM की तरफ से कहा गया बात बहुत हद तक मुकम्मल हो चुकी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये आवाम का मुकदमा है जो आज मुतहदा और BAP ने ऐलान किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि PP और MQM के ताल्लुकात का अदम एतमाद से ताल्लुक नहीं, कराची और पाकिस्तान की तरक्की के लिए मेहनत करनी है। PP चेयरमैन ने कहा MQM और पीपल्स पार्टी की दूरियों की साजिश से पूरे पाकिस्तान का नुकसान हुआ, मिलकर कराची और पाकिस्तान की तरक्की के लिए कदम उठाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि MQM पाकिस्तान ओपोजिशन की सफ में शामिल हो चुकी, जिसके बाद वजीर आजम की अक्सरियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, इस्तीफा देना है, कल ही वोटिंग करवाएं, इस मामले को अंजाम तक पहुँचाएं। बिलावल भुट्टो ने कहा जमहूरियत की बहाली मौशी बहरान से निकलने का सफर शुरू करना है, जमहूरी हथियार अपनाकर उनके खात्मे का बंदोबस्त किया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबरा मौलाना फजल रहमान का कहना है कि आलमी साजिश उस वक्त हुई थी जब इमरान खान को लाया गया था। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि MQM के अदम एतमाद तहरीक में साथ देने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। 3.5 साल पहले जिस ड्रामे का आगाज हुआ उसका ड्रॉप सीन हो गया, झूठ की सियासत का खात्मा हो रहा है। सरबरा PDM ने कहा कि जिन दोस्तों ने अब तक फैसला नहीं किया वो कौमी धारे में शामिल हों, हमारे सामने चैलेंजेस हैं, आगे भी यकजहती और तआवुन की ज़रूरत होगी, अब सब इमरान खान के हाथ से निकल चुका। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इमरान खान को आज इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, हमारे पास अरकान की तादाद 175 हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ड्रामे मत करो, खत आया है, धमकी दी है, आपकी हैसियत वो नहीं कि अमरीका या कोई धमकी दे, तुम हो क्या चीज जो वो तुम्हारे लेवल पर आएंगे। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान में हमेशा से आलमी ताकतें हुकूमतों पर असरअंदाज होती आई हैं, कौम से वादा किया है कभी किसी के सामने नहीं झुकूंगा, तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत तर्जुमानों का इजलास हुआ जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तर्जुमानों को ब्रीफिंग दी गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शुरका को खुफिया खत के हवाले से ब्रीफिंग में बताया गया कि चीफ जस्टिस को खत दिखाने का मकसद खत की हकीकत को आश्कार करना है। खत में धमकी दी गई कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने के संगीन नतायज हो सकते हैं। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि खत सबसे बड़े इदारे के सरबरा चीफ जस्टिस के साथ शेयर करने की पेशकश कर दी है, खारजा पॉलिसी के पेश नज़र खत ज्यादा लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकते। 7 मार्च को हमें खत मौसूल हुआ, खत का बराह रास्त तहरीक अदम एतमाद का जिक्र है, जैसे ही हमें खत मिला तहरीक अदम एतमाद फौरन पेश हो गई। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान में हमेशा से आलमी ताकतें हुकूमतों पर असरअंदाज होती आई हैं, मैंने कौम से वादा किया है कि कभी किसी के सामने नहीं झुकूंगा, तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। वजीर दाखला शेख रशीद ने कहा जमीर फरोशों की सोच जो मर्जी हो लेकिन अवाम की सोच और वोट इमरान खान के साथ है, इमरान खान के साथ मैं चट्टान की तरह खड़ा हूँ। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर दाखला शेख रशीद ने कहा है कि मुझे मशावरत में नहीं रखा लेकिन पैसों के 2-4 ट्रक वजीर आजम अगर मुझे भी दे देते तो बात यहाँ तक ना पहुँचती। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दाखला ने कहा कि कीड़े मकौड़े पैसे लेकर अपने ज़मीर को बेचते हैं, उन्होंने सद्दाम हुसैन और उसामा बिन लादेन का माल खाया, माल ओपोजिशन की कमजोरी है लेकिन ज़मीर फरोश नाकाम होंगे। उन्होंने कहा कि ज़मीर फरोशों की सोच जो मर्जी हो लेकिन आवाम की सोच और वोट इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान के साथ मैं चट्टान की तरह खड़ा हूँ। शेख रशीद ने कहा कि ये सारे लोग थोड़े अरसे की बात है, आइंदा इलेक्शन में आपकी मकबूलियत मज़ीद बढ़ेगी और ये सब चलकर आपके पास वापस आएंगे, लेकिन तब उनको लात मार देना, लेकिन इमरान खान सबको माफ कर देते हैं। वजीर दाखला ने कहा कि ये गेट नंबर 4 GHQ की पैदावार है और गुल हमीद उनका सियासी मुशीर होता था, सब जानते हैं कि मिसाक के जमहूरियत किसने करवाया था। शेख रशीद ने इंकशाफ किया कि उन्होंने सऊदी बादशाह अब्दुल्ला के जरिए फौज पर दबाव डाला और फौज को मजबूर किया, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती थी कि ये सऊदी अरब जाएं।
इसी तरह का ड्रामा अटक में हुआ और ये बीमार हो गए, जिसके बाद आर्मी के मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट दी कि उनकी सेहत बड़ी नाजुक है और इलाज की गर्ज से बाहर जाने देने का फैसला किया गया। अक्वामे मुत्तहदा अमन मिशन कांगो में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हादसे में अफसरान और नौजवान समेत 8 अहलकार शहीद हो गए। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अक्वामे मुत्तहदा अमन मिशन कांगो में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हादसे में अफसरान और जवानों समेत 8 अहलकार शहीद हो गए। पाक फौज के शुबा तालुकात आमा की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक अफ्रीकी मुल्क कांगो में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहाँ पर पाक फौज का पूमा हेलीकॉप्टर निगरानी मिशन के दौरान गिरकर तबाह हो गया। हादसे में पाक फौज के 6 अफसरान और जवानों समेत अमन मिशन पर मामूर 8 अहलकार शहीद हो गए। शहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ, मेजर साद, मावन पायलट मेजर फैजान अली, नायब सूबेदार समीउल्ला खान, हवलदार मोहम्मद इस्माइल, क्रू चीफ मोहम्मद जमील शामिल हैं। ISPR के मुताबिक पाक एविएशन यूनिट अक्वामे मुत्तहदा अमन मिशन कांगो में 2011 से तैनात है। पाकिस्तान ने हमेशा आलमी बिरादरी में जिम्मेदाराना किरदार अदा किया है। पाकिस्तान UN अमन मिशंस में फरोग अमन में बढ़ चढ़ कर किरदार अदा कर रहा है। पाक फौज के शोभा तालुकात अमा के मुताबिक हमारे अमन दस्तों ने हमेशा चैलेंजिंग टास्क अंजाम दिए। पाकिस्तानी अहलकारों ने लगन के साथ काम करते हुए जानों के नजराने भी पेश किए। वजीर आजम इमरान खान ने कांगो में हेलीकॉप्टर हादसे में फौजियों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अफवाज पाकिस्तान की आलमी अमन के लिए खदमात पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। वफाकी वजीर इत्तिलात व नशरियात फवाद चौधरी ने कांगो मिशन हादसे में शहीद होने वालों को खराज अकीदत पेश किया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बजदार ने कांगो में UN अमन मिशन में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले पाक फौज के 6 अफसरों और जवानों की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करते हुए शहदा के लवाकीन से दिली हमदर्दी और ताजियत का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले अफसरों जवानों की शहादत पर दिली अफसोस हुआ। पाक आर्मी के एविएशन यूनिट के अफसरों जवानों ने अपनी कीमती जानें देकर फर्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। ड्यूटी के दौरान कांगो में शहादत का रुतबा पाने वाले अफसरों और जवानों पर पूरी कौम को फख्र है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद। शाहान टेक टीवी पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। अहमद मंजूर टेक टीवी पाकिस्तान। अपने हाथ में मैं आपको सस्पेंड कर दूं। फर्रुख सिद्दीकी टेक टीवी पाकिस्तान। एहतशाम राणा टेक टीवी पाकिस्तान। वजीर आजम मुतल्लिक किया गया, लेके आएंगे तहरीके अदम एतमाद। साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच टेक टीवी पाकिस्तान। कौकब फारूकी टेक टीवी पाकिस्तान।